सो so गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप अपने ताविल राजी को कैसे अपडेट कर सकते हैं आपके पास जो ऐप है तविल राजी का जो एटीएम कार्ड होता है उसको किस तरह ऐप कर सकते हैं कैसे अपडेट कर सकते हैं जो आपको कंपनी एटीएम कार्ड दिया है ताविल राजी का उसको अपडेट करने का बहुत आसान तरीका हो गया है पहले था कि बस आपको बैंक में जाना पड़ता था तभी अपडेट होता था अदरवाइज़ आपको नहीं होता था आप मोबाइल से करते थे नहीं होता था तो अभी मोबाइल से भी हो जाता है उसको और एक नया ऑप्शन जुट गया इसमें उसको मैं लास्ट में बताऊँगा वो वीडियो में बने रहे अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो नहीं हो पाएगा कि नहीं आप देख पाएंगे कि हां इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ किस तरह अपडेट हुआ कैसे नहीं हुआ सबसे पहले आप अपना ताविल आजी को ओपन करें ओपन करने के बाद देखें थ्री डॉट जो रेड कलर का नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें इस पर क्लिक करने के बाद देखें अपडेट आई डी एक्सपायर डेट जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें देख सकते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ अपडेट आईडी एक्सपायर डेट इस पर क्लिक करना है क्लिक करके आप देख सकते हैं ये जैसे यहाँ क्लिक कर दिया देखिए अपडेट का जो ऑप्शन दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है ये पूरा डिटेल आप पढ़ लें पढ़ने के बाद आप ये जो अपडेट आई डी एक्सपायर का ऑप्शन दे रहा है इस पर क्लिक करना है यहाँ देखें यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज भी लेके जाएगा ये देख सकते हैं ये जैसे रेड रेड कलर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ से अपडेट नहीं हो पाएगा वो होगा होगा भी तो अगर नया अगर नया पेज खुल जाता है तो हो सकता है अगर नहीं खुलता है इस तरह का ऑप्शन देगा तो नहीं होगा तो इसके लिए आपको करना क्या होगा आप वीडियो को पूरे देखें तभी आपको समझ में आएगा अदरवाइज अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा देख सकते हैं मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये नेक्स्ट पेज में नहीं लेके जा रहा है नहीं ले जा नहीं ले जाने को जग जा क्या है आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बता देगा क्या प्रॉब्लम है क्यों नहीं जा रहा है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज पे क्यों नहीं जा रहा है आप देख सकते हैं मैं दो तीन बार ट्राई किया लेकिन ये नेक्स्ट पेज में नहीं जा रहा है इसका वजह क्या है क्यों नहीं जा रहा है क्या प्रॉब्लम है इससे पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें देख सकते हैं फिर मैं दोबारा ट्राई करता हूं ये नेक्स्ट पेज पर जाता है नहीं जाता है आप देखें आपके सामने जो भी है वो आपके सामने है देख सकते हैं ये देखिए फिर मैं ट्राई कर दिया लेकिन ये नेक्स्ट पेज में नहीं जा रहा है यहाँ से अपडेट नहीं हो पा रहा है तो आपको करना क्या होगा आपको डायरेक्ट कस्टमर केयर के पास कॉल करना पड़ेगा देख सकते हैं इस तरह यहाँ पे मैं अभी आपको कस्टमर केयर का नंबर निकाल के दूंगा आप डायरेक्ट कस्टमर केयर पर कॉल करें वहाँ कॉल पे आप अपना एक कामा का नंबर और अपना एटीएम का नंबर उसको बताना पड़ेगा वहाँ से अपडेट हो जाएगा अपडेट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर आपके मोबाइल पे यहाँ शो करेगा उसके लिए कौन सा नंबर पर आपको कॉल करना है और किस तरह करना है पूरा मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ आप पे वीडियो पर बने रहें मैं अभी नंबर निकाल के आपको मैं कॉल लगा के बात करा कर देखूँ दिखाऊँगा कि कैसे बात किया जाता है और किस तरह उससे अपना सवाल जवाब किया जाता है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं मैं अभी अभी कॉल लगाने वाला हूं कॉल कैसे लगाते हैं और किस तरह लगाते हैं देखें मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं आप देख सकते हैं इस यहां से अपडेट नहीं हो रहा है तो आपको कस्टमर के पास कॉल करना पड़ेगा देखें ये नंबर है इस नंबर को कॉल पे कीजिए इस नंबर पे कॉल कीजिए देख सकते हैं आपको ये आवाज़ सुन सकते हैं ये आपके सामने जो भी है आपका फिर दोबारा लगाऊंगा और बात करके आपको दिखाऊंगा कि इस तरह बात किया जाता है और कैसे किया जाता है ये देख सकते हैं यहाँ कॉल नहीं जा रहा है अभी मैं दूसरा सिम से फिर दोबारा लगाऊंगा ये देख देख सकते हैं अभी मैं दूसरा नंबर से दूसरा सिम से लगा दिया ये नंबर ये नंबर आप टाइप करके रख लें ये नंबर ताविर राजी कस्टमर केयर का नंबर है देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीन लैंग्वेज यहाँ चार पांच लैंग्वेज मिलता है आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं देखें जैसे मेरे को हिंदी में बात करना है मैं हिंदी के लिए थ्री टाइप करूँगा और आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है उसे वही लैंग्वेज आप सेलेक्ट करें आप खुद सुने कि मैं क्या, क्या क्या बात किया और कैसे किया आपके सामने है जो भी है आपके सामने है यहाँ पे आपको अपना एकामा नंबर नहीं तो आपको अपना एटीएम नंबर, नंबर यहाँ टाइप करना पड़ेगा तभी जाकर कॉल लगेगा अदरवाइज किसी किसी टाइम होता है कि डायरेक्ट कॉल लग जाता है नहीं तो किसी टाइम आपको अपना एकामा नंबर टाइप करना पड़ता है यहाँ पे एकाम नंबर टाइप कीजिएगा तभी कॉल जाएगा अगर अदरवाइज़ अगर एकाम नंबर नहीं टाइप करते हैं तो आपका कॉल नहीं लगेगा उसके पास कस्टमर केयर के पास कॉल नहीं लगेगा आप देख सकते हैं